आत्मनिर्भर योजना अंतर्गत कर्ज देने के नाम पे लोगों को धोखा देने वाले विजय फाउंडेशन की संचालिका प्रमोदिनी राजेश आस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार करके 5 दिन का पुलिस पीसीआर दिया था। उसके साथ विशाल धापेकर नागपुर, मयूर वेदना के साथ इसका मास्टरमाइंड आशीष विजय टे मुंबई से फरार हो गया। वर्धा साइबर सेल इस प्रकरण में कड़ी नजर लगाई थी। पुलिस अधीक्षक वर्धा प्रशांत होड़कर के मार्गदर्शन में साइबर सेल द्वारा आरोपी की हर लोकेशन को ट्रैक करके जांच में मदद कर रही थी। आरोपी आशीष डे बार बार पुलिस को चकमा दे रहा था। उसी दरमियान आरोपी आशीष डे ने मुंबई से हैदराबाद और हैदराबाद से कोलकाता पहुंचा, लेकिन आरोपी द्वारा की गई शातिराना गतिविधियों में एक चूक हो गई। विमान प्रवास के समेत आरोपी द्वारा एक गलती से साइबर सेल की गिरफ्त में आया है। आरोपी को 9 तारीख को कलकत्ता पुलिस को लुकआउट नोटिस के रहते कब्जे में लिया गया। वर्धा गुना शाखा के सहायक पुलिस निरीक्षक महेंद्र इंगरे और उनके सहयोगी ने आशीष डे को अपने कब्जे में लेकर हिंगन घाट रवाना हुए। आरोपी उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला है। उसने पुणे के सिम्बोसिस कॉलेज से 2003 में MBA किया था। इसके अलावा देश के प्रसिद्ध बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MCA भी किया है। आरोपी जुर्म की दुनिया में शातिर दिमाग वाला है। इससे पहले 2018 में 420 के केस में तलुजा नई मुंबई पनवेल के जेल में 2.5 साल की सजा काट के बाहर आया हुआ है। आरोपी को कल रात 12:30 बजे हिंगनघाट पुलिस स्टेशन लाया गया और गुरुवार 11 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया। न्यायाधीश बोर्डे के कोर्ट में पुलिस द्वारा 17 मार्च तक का PCR मांगा गया, जिस पर आरोपी के वकील पंकज मशाड़कर ने जिरा की। उसके बाद न्यायाधीश ने पुलिस की मांग रद्द करते हुए 15 मार्च तक PCR दिया। पुलिस की जांच में पता चलेगा कि आरोपी द्वारा और कितने धोखे दिए गए हैं और उस पर कौन से गुनाह दर्ज है। इसमें पुलिस अधीक्षक प्रशांत होड़कर, उप विभागीय पुलिस अधिकारी दिनेश कदम, पुलिस निरीक्षक संपत चौहान, इन्हें मार्गदर्शन के तपास अधिकारी PSI गिरधर पिंदोर, SI सादिक शेख, पुलिस सिपाही मनोज लोहकरे, प्रशांत वाड़ी, दीपक मस्के आगे तहकीकात कर रहे हैं। एक्चुअली ये जी घटना है, ये घटना दिनांक 5 मार्च 2021 रोजी घड़ी होती। ज्यावेळेस पोलिसांना माहिती मिळाली की विजनो फाउंडेशन तर्फे काही लोकांनी पॅम्पलेट्स वाटून सुमारे 500 लोकांना नंदुरी इथे बोलवलं होतं, एका आयसोलेटेड जागेवरती बोलवलं होतं। त्याच्याप्रमाणे हिंगणघाट टीम आणखी LCB वर्धा यांच्या टीम तिथे अशा ठिकाणी रवाना करण्यात आलं। सुरुवातीला हा ही घटना घडल्यानंतर ज्यावेळेस आम्ही संशयित लोकांना जे ताब्यामध्ये घेतलं होतं त्यामध्ये प्रमोदिनी आस्कर म्हणून जी लेडी होती ती जॉईंट डायरेक्टर होती या स्कीमची, त्यांना अटक करण्यात आलं। तिच्याकडून नागपूरच्या ऑफिसमधून काही आम्ही रिकव्हरी केले चेकबुक, घटनास्थळी आणि त्यांच्याकडून जी 27 प्रमाणे जी रिकव्हरी केली ते आम्ही 30 चेकबुक रिकव्हर केले आणि सुमारे 5 लाख रुपये कॅश त्याच्याकडून रिकव्हर केली। आणि त्यांच्याकडे 2600 अर्ज मिळून आले आपल्याला आणि 2200 EMI कार्ड मिळाले होते। ते तपासामध्ये कळलं की सगळं बोगस बनवलेलं आहे त्यांनी, आणि जकार्ता इंडोनेशियाचे जे चेक होते ते बँक देखील अस्तित्वात असल्याचं समजलं। एकंदरीत या टोळीचा जो मुख्य सूत्रधार होता आशीष डे हा हॅबिच्युअल क्रिमिनल असल्याची आणि त्याला तो यामध्ये एक्सपर्ट असल्याची माहिती मिळाली, त्यामुळे टीम ऑलरेडी मुंबईला जी रवाना झाली होती तिथे त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला। कुठे कुठे या लोकांनी प्रिंट्स केले हे चेक्स त्याचा शोध घेण्यात आला आणि त्याच्यामध्ये आमच्या टीमला पोलीस टीमला यश आलं। त्याच वेळेला या आरोपीची माहिती मिळाली की हा आरोपी कलकत्ता इथे येऊन पळून जाण्याच्या तयारीमध्ये आहे। LCBचे PSI इंगळे हे तिथे तात्काळ रवाना झाले आणि त्याला तिथे डिटेन करण्यात आलं, डिटेन करून त्याला ताब्यामध्ये घेण्यात आलं। हाँ, जो आशीष डे जो मेन इसमें जो कल्प्रिट है उसके ऊपर सर ओशूरा पुलिस स्टेशन में एक केस है जिसमें उसको 2 साल 4 महीने की सजा लगी है और 5,000 रुपये उसको फाइन हुआ है। इसके अलावा ये अमूरी पुलिस स्टेशन के एक चीटिंग के केस में बेल पे है और कलंगुट गोवा में इसके ऊपर एक केस है जिसमें वो दोनों केस में ये बेल पे है। इसके सिवा ये बचपन में इसने अपने गाँव में लखनऊ में एक मारपीट का केस किया है, वो भी इसके खिलाफ एक केस दर्ज है। हम सारी तहकीकात करके इसके ऊपर जितने केसेस है वो केसेस निकाल के ये कोर्ट में लोग पेश करें। BCN न्यूज के लिए हिंगन घाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट।